अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल कुक किचन रेसिपी। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत मज़ेदार आलू कीमा। हाफ़ के जी मेरे पास आलू है जो मैंने पॉइंट किया, उसमें कटिंग किया हुआ है। हाफ़ के जी मेरे पास कीमा है, कीमा मशीन का है, बारीक है। एक चम्मच मेरे पास पीसा सूखा धनिया है, एक चम्मच मेरे पास नमक है, एक चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दो दर हरी मिर्ची हैं, गर्म मसाले में लौंग, दालचीनी, बादियान की फूल और ज़ीरा है। ज़ीरा थोड़ा मैं ज़्यादा डालूँगी। तीन अदद मेरे पास टमाटर है, इसकी भी फाइन कटिंग की हुई है। दो अदद मेरे पास प्याज है नॉर्मल साइज़ के। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करूँगी ऑयल में। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो मैं उसके साथ लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनूंगी। लहसुन अदरक को ब्राउन करने के बाद मैं कीमा डालूंगी और थोड़ा सा कीमा भून के फिर गर्म मसाले ऐड करके कीमे को भूनूंगी। जी देखिए, कीमा थोड़ा सा इसमें भुना है। अब मैं इसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बादाम को भून लूँ वो डाल के गरम मसाले इसको मैं और अच्छे से भूनूंगी। ज़ीरा मेन इंग्रेडिएंट है, कीमे में ज़ीरा ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी कीमा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर और नमक मिर्च ऐड करूँगी। अब मैं टमाटर नमक मिर्च डाल के और आधी प्यानी मैंने पानी डाल के अपने कीमे को ढक के रखूँगी, कीमे को और फिर पकाऊँगी। जी कीमा टमाटर अच्छे से मसाले में भुन गया है और ये गल भी गया क्योंकि ये मशीन का कीमा था। 10 से 15 मिनट में गल जाएगा। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू को भी 1 से 2 मिनट पहले मैं कीमे के साथ भूनूँगी। आलू को भूनूँगी फिर इसमें पानी ऐड करूँगी। 10 से 15 मिनट मैं अब आलूओं को गलने के लिए रखूँगी। जब आलू गल हो जाए इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के इसे 5 मिनट और दम पर रखूँगी। जी मज़ेदार सा सालन रेडी है। आप इसका मज़ा है रोटी के या पराठे के साथ। मेरी इस रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।